जाने का एकदम मन नहीं कर रहा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइन शाह व्लॉग। आज होने वाला है बहुत ही स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज आप लोग का भाई जा रहा है 3 दिन के बाद ड्यूटी पर। 3 दिन के बाद जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसा होगा हालत उधर का। और चलो जाते, अब देखते हैं क्या हालत है। गाड़ी में पहले बैठते भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आ गया हूँ अभी शोरूम पर, और शोरूम पे आते ही देखा गाड़ियों का हालत इतना ख़राब, क्योंकि 3 दिन हम लोग नहीं आया, मिट्टी जो इतना गिरा गाड़ियों का ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, और फिलहाल मैं आपको ये बताते चलूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 दिन हम लोग किया क्या, हाँ तो आप जाके पहले वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, आप सोच रहे होंगे ना। काम यही है कि जो मैं काम करूँगा अभी, जो मेरा व्लॉग आएगा नेक्स्ट वाला, जितना व्लॉग आएगा ना, वो व्लॉग में सिर्फ मेरा वही काम का जो स्टेटस है वही मैं आपको दिखाऊंगा, मैं काम क्या करता हूँ कैसे करता हूँ, वैसा वाला व्लॉग ही आएगा ज़्यादातर। तो फिलहाल अभी जाने का एकदम मन नहीं कर रहा। चलो बने रहिए और देखते। तो गाड़ी का हालत कैसे देख सकते हो, गाड़ी का हालत कैसे, इतना रुमल गिरा है मिट्टी, मतलब ये देखिए। सब गाड़ी का है, कितना गाड़ी था बाहर, सब गाड़ी का हालत देखिए, पैर का हालत देख के, क्योंकि उधर पानी नहीं था 3 दिन देने के लिए कोई भी, सब अपने अपने घर में हम लोग चला गया थे। 3 दिन बाद आया तो देखा, इसमें पकड़ा भी है, ये अनार का है, अनार का पेड़ है, देखिए कितना अनार है। और ये पानी का वजह से जिंदा रहता था, अभी बस इसको अभी पानी देते हैं सबसे पहले। ये खजूर का है, सबसे पहले हम लोग पानी देते फिर अंदर घुसते शोरूम का। आगे दूसरा काम बाद में करेगा, सबसे पहले पानी देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पानी की ज़रूरत है सबसे पहले। जिस दिन बंद हुआ था उस दिन रात मैंने बहुत सारा पानी दिया था, बहुत सारा, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने ऑलरेडी पानी दिया था। लेकिन 3 दिन है ना, वो एक दिन भी इतना गर्मी है, एक दिन का भी पानी अगर ना दो, एक दिन में 2 बार देना पड़ता तो मर जाता, वो भी 3 दिन है। सो तो मुश्किल नहीं, वो पानी देगा ना शाम को ठीक हो जाएगा। फिर ये आपको दिखाऊँ तो ये देखिए एक है ना, और ये वो बीच में वो इधर एक देखा है, आपको दिख रहा है। लोग देख चुके हो, मैं आ गया शोरूम पर, और मैं शोरूम पे आते ही देखा पूरा गाड़ी का सत्यानाश हो गया। आप लोगों को दिखाया जो शोरूम का हालत है गाड़ियों का पूरा एकदम, और मुझे बहुत थकानसी महसूस हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से हम लोग रूम पे था, एसी के अंदर था, तो अभी आया तो धूप का पूरा एकदम धूप में। तो चलो वो भी सही है, वो हम लोग जो जो गाड़ी था वो साफ़ कर लिया। आपको एक गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, ये गाड़ी है, हम लोग का इंडिया में थार बोलते हैं ज़्यादातर, और इधर में जीप रेंगलर है, इंडिया में भी है जीप रेंगलर। तो ये दिखाने का रीज़न ये है कि ये गाड़ी 2008 मॉडल का है, ये गाड़ी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये 2008 का नहीं है, क्योंकि इसका जो रिंग है वो हम लोग चेंज करा, पूरा गाड़ी एकदम मॉडिफाई किया हुआ है। ये ईद का पहले एक कस्टमर ने परचेस किया था, तो वो कस्टमर का जो कस्टमर को सेल किया था ना वो लोग, तो कस्टमर ने हम लोगों को बताया कि ये गाड़ी उसको अपडेट करना पड़ेगा 2018 का, अगर वो हम लोग करके देता है तो वो लेगा। तो उसका बाद हम लोग बोला ठीक है, मुश्किल नहीं है, मैं करके देगा।
तो आप लोग देख सकते हो अंदर में, ये आपको दिखाऊँ जो अंदर है ना, वो पहले ऐसा नहीं था। इसका ये चीज़ जैसे स्क्रीन है ना, स्क्रीन हम लोग ने चेंज कराया, ये सीट भी चेंज कराया, ये देखो ये सीट भी चेंज कराया, लेदर सीट बनाया। और इसका क्या क्या चेंज किया तो ये दिखाते चलो। इसका जो टायर है ना, ये पहले ऐसा नहीं था, ये नॉर्मल था टायर। ये देखो टायर, चारों टायर हम लोग और रिंग के साथ, ये रिंग भी चेंज कराया। ऊपर का ये जो हादिद है ना सामने का, ये भी हम लोग चेंज कराया, ये रूबिकन का लगाया। और रूबिकन को पता होगा क्योंकि हम लोग मुंबई में ज़्यादातर रूबिकन होता है, दिल्ली मुंबई में ज़्यादातर रूबिकन वाला यूज़ करता है। वो ये रूबिकन का लगाया। और ये भी, ये जो ग्रिल देख रहे हो, ये भी चेंज कराया। ये एक्चुअली एक अफ्रीका कस्टमर दिया है, तो उसको ये पसंद है ज़्यादा रिंग, तो इसके साथ ये भी मैचिंग है। तो कुछ ऐसा है, ये सेब पूरा रूबिकन का बनाया। और ये सहारा था पहले, एक सहारा जीप सहारा था, सामने से कुछ ऐसा दिखता है। जो लाइट है ना, ये लाइट पहले ऐसा नहीं था, ये अभी एलईडी लाइट लगाया। और लाइट जब चालू होगा ना, कुछ इस तरह दिखता है, जैसे हेडफोन, कान पे हेडफोन लगाओ, कुछ इस तरह दिखता है। और आज सिर्फ एक गाड़ी का आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगले जितना वीडियो आएगा ना, सब वीडियो में एक एक गाड़ी का रिव्यू कराएंगे और बताऊंगा कि कौन कौन सा गाड़ी है हम लोगों का पास। मुझे जो गाड़ी अच्छा लगता है ख़ास करके, वही गाड़ी आपके साथ शेयर करूँगा। और उसमें क्या क्या फीचर है, शेप कैसा है, जो भी चीज़ मुझे पता होता है ज़्यादातर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और गाड़ी भी आपको दिखाऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी ये गाड़ी जा रहा है कस्टमर के पास। अभी क्रेंक आया तो लोड कर लिया अभी, और अभी जा रहा है ये, और ये सीधा जाएगा कस्टम में, उधर से सीधा जाएगा आपके काम। कि अभी आप लोग देख सकते हो पूरा साफ हो गया गाड़ी, पहले कैसा था और अभी कैसा है। हम करने वाला है सब गाड़ी एक एक करके स्टार्ट, क्योंकि तीन दिन हो गया गाड़ी कोई स्टार्ट नहीं हुआ। अभी करने वाला है ऑडी A8। अभी करने वाला है बेंटली फ्लाइंग सुपर, हो गया। अभी करने वाला है डॉज चार्जर, वो भी आरटी वाला। ये हो गया डॉज चार्जर आरटी। अभी करने वाला है रेंज रोवर बोज, ये हो गया रेंज रोवर बोज। अभी करने वाला है ऑडी Q5, ये हो गया ऑडी Q5। अभी आ गया मर्सिडीज CLA, और ये नया मॉडल है, और इसका अंदर का खुशबू अभी तक ताज़ा ताज़ा है। वाह क्या खुशबू है। अभी आ गया मर्सिडीज माइबैक में, उफ इसका क्या साउंड है स्टार्ट होने के बाद। अभी करने वाला है टोयोटा चांद्रा जो 8 सिलेंडर है, इसका साउंड सुनना, जो ऐसा दिखता है बाहर से। अभी जो जो गाड़ी स्टार्ट दिया, ये देखिए, ये देखिए मर्सिडीज। तो ऐसे तो गाड़ी 60-70 गाड़ी होगा, सब तो नहीं दिखा सकता है। जो जो ब्रांड है वही मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो फिर जिंदा हो गया, सुबह जो आया तो पूरा मर गया था, अभी पानी दिया तो अभी जिंदा हो गया। ये भी, ये तो पूरा मर गया था सुबह। इसी के साथ हम लोगों का हो गया ड्यूटी का टाइम ख़त्म, और मैं अभी जा रहा हूँ रूम पे।
पे जा रहा था तो फ़ोन आया रूम से कि तेल चाहिए, अभी तेल और पानी चाहिए, तो पानी और तेल लेके जाता है। तो आ गया तेल का सेक्शन में, तभी तेल ले लेता है। तो मिल गया हम लोगों का जो तेल हम लोग लेता है ना मिस्टर सेफ 5 लीटर वाला, वो हम लोगों को मिल गया। तो निकल जा, मिल गया, ले लिया तेल। और अभी चाहिए पानी क्योंकि हम लोग का रूम पे पानी ख़त्म हो गया। ये पानी हो गया, तो आप लोग सोच रहे हो गया पानी तो सही है लेकिन तेल का क्या काम। भाई ज़रूरी है तेल, क्योंकि हम लोग खुद बनाता है, हम लोग इधर कोई नहीं है बनाने वाला, हम लोग खुद बनाता है हम लोगों का खाना, तो खुद बनाता है तो लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग को तेल भी चाहिए, हर राशन चाहिए, और राशन का काम मेरा है, बनाने वाला हमारा दूसरा भाई लोग है, इसीलिए मेरे को लेना पड़ता है ये सब। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग इधर ही एंड करना चाहता हूँ, और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए, और अगले ब्लॉग के लिए इंतजार करें। स्टिल देयर, बाय।